tackling about input devices. Then I today tell you about output devices. Output devices क्या है? इसके द्वारा जो भी हमारा कंप्यूटर पर प्रोसेसिंग के बाद डाटा आता है वो इन डिवाइसेस पर शो होता है. तो आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले एंड प्रिंट, डिस्प्ले एंड प्रिंट द रिजल्ट. यानी जो भी कोई परिणाम हम देखना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं वो ये आउटपुट डिवाइसेस में दिखाई देगा आफ्टर प्रोसेसिंग. अब चलते हैं मेन आउटपुट डिवाइसेस. सबसे पहला है प्रिंटर. इसके द्वारा हम कोई भी रिजल्ट अपना प्रिंट करते हैं और जो मुख्य है मॉनिटर. आप कंप्यूटर में कोई भी वर्क करें वो हमेशा मॉनिटर पर शो होता है. वी वर्क, इसी की स्क्रीन पे हम सारा काम करते हैं. वी वर्क ऑन द स्क्रीन. प्रिंटर में क्या करते थे? वी प्रिंट द रिजल्ट्स. अब आगे आता है मॉनिटर. प्रिंटर जो मैंने भी बताया पहला, इसके तीन प्रकार के होते हैं. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर. तो आजकल ज्यादातर इंकजेट और लेजर प्रिंटर का ही उपयोग हो रहा है. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स बहुत कम यूज में आ रहे हैं. इसके आगे आते हैं स्पीकर. स्पीकर के द्वारा जो हमारा ऑडियो होता है वो हम सुनते हैं. इट प्रोड्यूस द ऑडियो. जितने भी हम ऑडियो सुनते हैं वो सब स्पीकर के द्वारा बाहर. ये दो बॉक्स आए जो होते हैं. उसके बाद है प्लॉटर. प्लॉटर लुक्स लाइक ए प्रिंटर. इसके द्वारा हम प्रिंट्स चित्र, प्रिंट्स द, आप कहेंगे जब प्रिंटर है तो इसकी क्या जरूरत पड़ेगी फ्लोटर की. फ्लोटर के द्वारा हम प्रिंट्स वेक्टर ग्राफिक्स जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी बैनर बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है तो हम उस फ्लोटर का उपयोग करते हैं. इट प्रिंट्स द वेक्टर ग्राफिक्स.
यानी वेक्टर ग्राफिक्स के लिए हम प्लॉटर्स का यूज करते हैं, इसी के द्वारा हम बैनर वगैरह बना सकते हैं। तो ये हुए हमारे आउटपुट डिवाइसेस। और आजकल ईयरफोन, हेडफोन, ये सब आउटपुट डिवाइस में ही आते हैं। आपको जो वर्क करना है घर पर, ड्रॉ फाइंड आउटपुट डिवाइसेस इन योर नोटबुक, ये मुख्य आउटपुट डिवाइस हुई। और ये आपको इसमें से अभी मैंने फोन बताया थे, आज बाद में हेडफोन, ईयरफोन, ये सब आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो आप इनके पिक्चर्स कलेक्ट करके अपनी बुक में पेस्ट कर सकते हैं या उनको ड्रॉ कर सकते हैं। हो गया।